हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन तीसरा वर्ग लेते हैं सिलेंटेटा का। हाइड्रोजोआ साइफोजोआ अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा वर्ग है इसका, सिलेंटेट्स का है, वो है एंथोजोआ। तीन ही वर्ग पाए जाते हैं सिलेंटेट्स के अंदर। या अपन गए हैं कि जो सिलेंटेटा का वर्गीकरण है वो तीन क्लास में किया गया है या तीन वर्गों में किया गया। तो जो वर्ग है उनको यदि मुख्यतः अपन देखें तो जो हाइड्रोजोआ है तो ऐसे सिलेंटेड जिनके अंदर दोनों प्रकार के जोड़े देखने को मिलते हैं, यानी कि पॉलिप और मेडुसा, ये दोनों मिलते हैं, वो हाइड्रोजोआ में आते हैं। मुख्य एक अपन डिफरेंस देखें जो अभी अपन ने पढ़े हैं पिछले दो लेक्चर्स के थ्रू। और उसके बाद जो दूसरा जो वर्ग था साइफोजोआ, उसके अंदर अभी अपन ने ये देखा कि जो मेडुसाई जोड़ है वो पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से बहुत विकसित होता है, जबकि पॉलिप उसमें या तो डिजेनरेट होगा या फिर होगा ही नहीं। डिजेनरेट मतलब बहुत अल्प विकसित होता है या छोटी साइज का होता है या फिर होता ही नहीं। अब यहाँ पर अपन जो तीसरा वर्ग है एंथोजोआ, तो यहाँ पर क्या अपन देख रहे हैं, मेडुसाई स्टेज इज ऑल टुगेदर अपसेट। तो इसके अंदर मेडुसाई नहीं पाया जाता है और पॉलिप जो होता है वो एक्सक्लूसिवली वेल डेवलप्ड होता है। तो ये मतलब एक मेन और प्राइम कहें या मुख्य जो डिफरेंस है वो इन तीनों वर्गों में अपन ने जो पढ़ा उसके आधार पर ये डिफरेंस पाया जाता है। पॉलिप और मेडुसाई दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है हाइड्रोजोआ वर्ग के अंदर। साइफोजोआ के अंदर सिर्फ मेडुसाई अवस्था है वो देखने को मिलती है, और फिर अपन एंथोजोआ में आ जाते हैं तो वहाँ पॉलिप अवस्था देखने को मिलती है, जबकि मेडुसाई स्टेज जो कि या तो पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती या होती है तो अल्पविकसित होती है। तो ये एकल और निवई है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सब लवणीय जल में रहते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली पॉलिप, पॉलिप अवस्था पाई जाती है, इसलिए पॉलिपोइड कहा जाता है। मेडुसाई स्टेज नहीं पाई जाती। बॉडी यूजुअली सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल आकार की इसका शेप होता है, आकार होता है या संरचना होती है। एक्जामेरियस है, ऑक्टामेरियस है, ठीक है ना, छरिये है या आठ अरिये कहें या बहुवरिये कहें या बहुअष्टीय कहें, बाई रेडियल या रेडियो बायलेटरल समिति इसके अंदर पाई जाती है। द ओरल एंड ऑफ द बॉडी इज एक्सपेंडेड रेडियली इनटू एन ओरल डिस्क। तो इसका जो मुख का जो सिरा है वो एक्सपेंडेड इनटू ए रेडियल इनटू एन एक्सपेंडेड रेडियली इनटू एन ओरल डिस्क। ओरल डिस्क में बियरिंग ए होलो टेंटाकल्स, ठीक है ना, जो टेंटाकल्स होते हैं वो होलो पाए जाते हैं, सराउंडेड बाय माउथ इन द सेंटर, तो वो माउथ के चारों तरफ गिरी हुई। द एस्ट्रोमीडियम इज प्रेजेंट, तो एस्ट्रोमीडियम इसमें पाया जाता है, ऑफ्टन प्रोवाइडेड विद वन आर मोर सीलिएटेड ग्रोथ। तो इनके अंदर सीलिएटेड ग्रोथ भी देखे जाते हैं, स्पाइनो ग्लैंड को सीलिएटेड ग्रोथ द नोन एज स्पाइनो ग्लैंड। द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू ए कंपार्टमेंट। तो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी है वो छोटे छोटे भागों में बंटी हुई है। द कंप्लीट आर इनकम्प्लीट सेप्टा, या तो पूर्ण रूप से सेप्टा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है जिसको सेप्टा को, या फिर उसको मेजेंटरीज भी कहा, सेप्टा मतलब जिसको बीच में से अलग किया जाता है, या जो सेप्टम पार्ट जो मेम्ब्रेन या ऐसा अंग आकार जो उनको अलग करता है, जो उसको सेप्टम, सेप्टा या मेजेंट्रीज कहा जाता है। जो मेजेंट्रीज बियर नेमेटोसाइट्स, और जो मेजेंट्रीज है उनके अंदर नेमेटोसाइट्स पाए जाती है। एंड देयर इनर फ्री एजेस मेसोगिलिया कंटेन्स फाइब्रस एंड कनेक्टेड टिश्यू एंड एम्बेडेड सेल। तो मेसोगिलिया जो इसका बीच का जो स्तर होता है उसके अंदर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक, तंतु संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, यहाँ पर एमोबॉइड जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। स्केलेटन है जो आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल होगा, जो कंकाल है वो आंतरिक और बाहरी होता है। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म फ्रॉम ए कैल्शियम कार्बोनेट, बाहरी जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑफन फ्रॉम ए मैजिक कोरल्स, तो ये पूर्ण रूप से कोरल में रूपांतरित हो जाता है, कोरल के रूप में पाया जाता है। नर्व सिस्टम इज एन फॉर्म ऑफ टिपिकल नर्व नेट, तो जो तंत्रिका तंत्र है वो एक जटिल जाल होता है पूरा तंत्रिकाओं, विदाउट ए कॉन्सेंट्रेट सेंट्रल नर्व सिस्टम, तो नर्व सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं पाया जाता। गोनेट्स आर एंडोडर्मा, तो जो जन्मेंगे वो अंतरीय होते हैं, एंडोडर्मल होते हैं, डेवलप्ड इन द मेजेंट्रीज, मेजेंट्रीज के अंदर विकसित होते हैं। द राइप सेक्सुअल प्रोडक्ट्स आर डिस्चार्ज इनटू ए सिलेंट्रॉन, तो जो विकसित हो जाते हैं या परिपक्व हो जाते हैं जो सेक्स सेल्स हैं जो, वो जैसे स्पर्म है या ओम है, वो इसकी हार नाल में छोड़ दिए जाते हैं, जो कि मुख से बाहर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्न, क्योंकि निषेचन इनका बाहर की तरफ होता है तो मुख से ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे इनके जो पोर है वो नहीं पाया जाता, सिर्फ एक ही माउथ है वो एक पोर पाया जाता, उसी से
अंदर आता है जो भी मटेरियल है वो भी उससे बाहर हो जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू प्लैनोल लार्वा, तो इसका लार्वा है वो प्लैनोल है, सबका ही है जितने भी सिलेंटेड्स है, विच आफ्टर ए शॉर्ट फ्री लाइफ सेटल्स डाउन एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट, तो कि बाद में सेटल हो जाता है और कहीं पर जाके अपने आप को एडेसिव कर लेता है और सेसाइल हो जाता है, वो एक जगह पर स्थिर रहता है। इसके अंदर अपन तीन वर्ग जो एंथोजोआ है, इसके अंदर तीन अपन उपवर्ग पढ़ेंगे। उन्हीं के अंदर पहला जो उपवर्ग है अल्साइनेरिया या ऑक्टाकोरलिना, इसके अंदर छह गण है, और जो दूसरा उपवर्ग है उसके अंदर पांच गण है। तीन अपन इसके अंदर उपवर्ग देखेंगे, यानी कि तीन सब क्लास देखेंगे। जो लास्ट वाली क्लास है वो ज्यादातर लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट है। तो पहला जो एंथोजोआ का जो उपवर्ग है वो अल्साइनेरिया या फिर ऑक्टाकोरलिना बोलते हैं, कॉलोनियल है, एक साथ रहते हैं बहुत सारे मेराइन पोर्स में फॉर्म से, ये लवणीय जलवायु में रहने वाले सिलेंटेड्स हैं। पॉलिप्स आर लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो पॉलिप है वो लंबे होते हैं या फिर शॉर्ट और सिलेंट्रिकली टर्मिनेटिंग ओरली इनटू ए फ्लैट सर्कुलर ओरल डिस्क, तो जो ओरल डिस्क है जो इसका मुख्य भाग है वो सर्कुलर होता है, हैविंग द ओवल आर इलोंगेटेड माउथ इन द सेंटर, तो बीच में ओवल या इलोंगेटेड माउथ पाया जाता है। ये सिलेंट इनका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, इस टाइप का, इसलिए जैसे मेट्रेडियम है जिसको सी एनिमोन कहते हैं। तो पॉलिप ऑलवेज बियर से एट पिनेट होलो टेंटाकल्स, तो जो इसके पॉलिप्स होते हैं तो इनके करीब आठ बियर एट पिनेट होलो, ऑलवेज बियर एट पिनेट होलो टेंटाकल्स, एट कंप्लीट मेजेंट्रीज आर प्रेजेंट, तो इनके अंदर मेजेंट्रीज भी पाई जाती हैं, बीच में जो सेप्टा पाए जाते हैं जो इसको अलग करते हैं, तो वो आठ कंप्लीट पूर्ण रूप से मेजेंट्रीज पाए जाती हैं या सेप्टा पाए जाते हैं। सिंगल वेंट्रल साइफन ऑग्लाइफ्स आर प्रेजेंट, तो एक साइफन ऑग्लाइफ इनके अंदर उपस्थित होता है। एंडोस्केलेटन इज प्रोडक्ट ऑफ मेसोगेलिया, तो आंतरिक जो कंकाल होता है वो किसका द्वारा विकसित होता है, मेसोगेलियन सेल्स। एंड कंप्राइज्ड कैल्केरियस स्पूल्स का इधर कैल्केरियस आर हॉर्नी इन नेचर, जो कि प्राकृतिक क्या कहते हैं उनका जो प्रकृति है वो हॉर्नी या कैल्केरियस होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। तो ये किसके उत्पाद है, मेसोगेलिया कोशिकाओं के। पॉलिफ आर डाइमॉर्फिक इन सम फॉर्म्स, तो कई रूपों में यदि पॉलिप को देखें तो वो त्रिरूपी भी हो सकता है। और इसके अंदर जो पहला उपवर्ग है अल्साइनेरिया एंथोजोआ का, उसके अंदर पांच ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर है स्टेनोफेरा, स्टेनोनीफेरा। द स्टेनोनीफेरा आर इनहेबिटेंट्स ऑफ ए शैलो वाटर इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ठीक है ना, जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है उसके शैलो वाटर जितने भी स्रोत है वहां पर ये इसके अंदर आने वाले सिलेंटेड्स गण के अंदर आने वाले स्टेनोनीफेरा के अंदर वो वहाँ पाए जाते हैं। पॉलीपराइज सिंगली फ्रॉम ए क्रीपिंग बेस एंड आर कनेक्टेड बाय वन आर मोर सोलेनियल ट्यूब्स, तो इसको वैसे ट्यूबीफोरा सर ट्यूबीफोरा भी कहते हैं, ऑर्गन पाइप पर जैसे ट्यूब आती है, तो इसका जो बॉडी देख रहे हैं आप, ठीक है ना, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हो जाती है। अराइज सिंगली फ्रॉम ए क्रीपिंग बेस एंड आर कनेक्टेड बाय वन आर मोर सोलेनियल ट्यूब, जो अकेली अकेली जितनी भी ट्यूब्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ए लूज स्पेक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट ट्यूब्स एंड प्लेटफॉर्म्स, तो इसका जो कंकाल है वो लूज स्पेक्यूल्स कंटिकाओं का बना हुआ होता है या फिर कॉम्पैक्ट जो ट्यूब्स होती है उसका होता है, ठीक है ना, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में इसका नाम है ट्यूबीफोरा, जिसको ऑर्गन पाइप कॉरल या म्यूजिकल कॉरल, म्यूजिकल कॉरल मांसुरी में आती है इसलिए इसको म्यूजिकल कॉरल भी कहा जाता है। तो ये ऐसी ट्यूब होती है नलियां, ठीक है ना, वो आपस में कनेक्टेड हो जाती है इस टाइप की, ये जो देख रहे हैं आप डायग्राम में भी ये दिख रहा है। तो ये सामान्यतः इसको कॉमनली ऑर्गन पाइप या कॉरल या म्यूजिकल कॉरल भी कहते हैं, जो कि एक डायग्राम में भी आपको इस तरह का दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा गण है टेलेस्टेसियाई, कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल एंड ब्रांच स्टेम अराइजिंग फ्रॉम ए क्रीपिंग बेस, क्रीपिंग बेस मतलब रेंगता हुआ जो पूरा यूं होता है उसको क्रीपिंग
तो इसका आधार होता है वो रेंगता हुआ, जैसे ये अपन ये क्रेपिंग बेस है, ठीक है ना। तो कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल आर ब्रांच, लाइक सिंपल होती है सामान्य या फिर शाखी होगा, स्टेम मतलब तना है इसका जो पूरा वो शाखा युक्त होगा, क्रिपिंग होगा, चलता और रेंगता होगा। ईच स्टेम इज वेरी इलोंगेटेड पॉलिप, तो हर एक स्टेम पे बहुत सारे लंबे पॉलिप होंगे, लेटरल्स पॉलिप होंगे, साइड में निकले हुए होंगे। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पेक्यूल्स, जो इसका कंकाल है वो कंटिका होगा, फ्यूज बाय कैल्क्रियस आर हॉर्नी सीक्रेशन, जो कि या तो हॉर्नी सीक्रेशन होगा या कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन। अभी एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर आने वाले जो सिलेंट्रेट है वो टेलिस्टो, ये तो आप देख रहे हैं ये डायग्राम किसका है, टेलिस्टो का। तीसरा गण है अल्साइनोसियाई कॉलोनी मशरूम शेप, मशरूम देखा होगा जिसकी सब्जी भी बनती है, तो मशरूम आकार का ये होता है। आर ब्रांच इनटू ए स्टाउट ब्लंट प्रोसेस, तो ये शाखित हो जाते हैं और ये ब्लंट होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। लोअर पार्ट ऑफ द पॉलिप फ्यूज इनटू ए फ्लैशी, तो इसका नीचे वाला जो भाग है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, और फ्लैशी हो जाते हैं मांस की तरह, विथ ओनली ए ओरल एंड्स प्रोटेडिंग, जो ओरल एंड्स है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। पॉलिप आर डाइमॉर्फिक इन सम फॉर्म्स बियरिंग ऑटोजोइट्स एंड सेफनोजोइट्स, तो कहीं कहीं जो इनका पॉलिप स्टेज है वो द्विरूपी हो जाती है और उसके अंदर दो प्रकार के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, एक ऑटोजॉइंट्स एक है सेफनोजोइट्स। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट कैल्क्रियस स्पीक्स नॉट एक्सियल, तो इसका जो कंकाल है वो सेपरेट कैल्क्रियस कंटिकाओं का बना हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्साइनियम जिसको रेड सी फिंगर कहा जाता है, ठीक है ना, लाल समुद्री अंगुलिया, तो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है आपको जैसे हाथ से अंगुलिया निकली हुई हो, तो इसलिए इसको रेड सी फिंगर कहा जाता है। तो उदाहरण अल्साइनेशिया के अंदर अल्साइनियम और जेनिया, ये सिलेंट्रेट है वो अल्साइनियम गण के अंदर आते हैं। चौथा जो गण है वो एसिनोथेकेलिया, स्केलेटन इज ए मैसिव, तो इसका स्केलेटन है वो बहुत ज्यादा है, कंपोज्ड ऑफ ए कैरिस्टेलाइन कैलक्रियस क्रिस्टलाइन कैलक्रियस फाइबर्स ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट, नॉट ऑफ फ्यूज स्पेक्यूल्स, तो इसके अंदर फ्यूज स्पेक्यूल्स नहीं होते। स्केलेटन इज परफोरेटेड बाय द न्यूमेरस लार्ज स्मॉल एट कैविटीज, तो इसका स्केलेटन है वो बहुत लार्ज और इनके अंदर कैविटीज पाई जाती है अंदर की तरफ। द लार्ज वंस कंटेन लोअर एंड्स ऑफ द पॉलिप, तो इसका लोअर एंड है वो पॉलिप को था, वाइल द स्मॉलर वंस आर इरेक्ट एंड टर्मिनल ट्यूब्स, तो छोटे होते हैं उनके ऊपर वो इरेक्ट मतलब एकदम सीधे होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं। कॉमनली नोन एज द ब्लू कोरल, तो इनको सामान्यतः नीला कोरल कहा जाता है। फाउंड इन द कोरल रीफ्स एंड इन द इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो है इस गण के अंदर आने वाले सिलेंट्रेट से, तो ये बहुत ही बहुत फैले हुए होते हैं, तो ये इंडो पैसिफिक एरिया मोस्टली कोरल्स के लिए कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध है, तो इस क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के हेलियोपोरा, इसको हार्ड ब्लू कठोर नीला कोरल इसको सामान्यतः कहा जाता है, उदाहरण के लिए इसका जो नाम है स्पेसिस का वो है हेलियोपोरा। पांचवा जो इसका गण है वो है गोर्गोनेशियाई, जो जिसके अंदर गोर्गोनिया आता है, सी फैन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अपन इसका जो वर्ग का जो पहला सब क्लास है उसके अंदर टोटल छह गण है, अपन पांचवा गण पढ़ रहे हैं गोर्गोनेशिया। द कॉलोनी इज यूजली प्लांट लाइक, जैसे अपन कुछ रेगिस्तान में भी इस टाइप के पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, उस तरफ ये उस जैसा ये दिख रहा है। कंसिस्ट ऑफ ए मैन स्टेम अराइजिंग फ्रॉम वेसल प्लेट आर टफ्ट ऑफ स्टोलन एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और ये पॉलिप होता है। एक्सियल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ ए कैल्क्रियस, तो इसका बाहर का जो एक्सियल स्केलेटन है वो कैल्क्रियस का बना हुआ है। हॉर्नी लाइक मटेरियल होता है गोर्गोनिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मटेरियल होता है वो होता है गोर्गोनिन। कॉमनली नोन एज ए सी फैन, तो इसको सामान्यतः समुद्री पंखे कहा जाता है। सी फीदर्स एंड सी वाइप आर फाउंड इन ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सोर्स, ठीक है ना, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं गोर्गोनिया जिसको समुद्री पंखा कहा जाता है, कोरलियम जिसको रेड कोरल कहा जाता है, लाल कोरल, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं ये है गोर्गोनिया और ये है कोरलियम, तो ये दोनों जो सिलेंट्रेट है वो गोर्गोनेशियाई गण के अंदर आते हैं, वो क्लास इनकी है। तो
जो है और फाइलम सिलेंटेटा। यदि आपको अभी कहें कि गोर्गोनिया का वर्गीकरण करो तो आप गोर्गोनिया को किस फाइलम आएगा, सिलेंटेटा, ठीक है ना, और क्लास एंथोजोआ और ऑर्डर गोर्गोनेशिया और गोर्गोनिया। छठा जो गण है इसका है वो पेनाटुलसियाई, जिसके अंदर पेनाटुला आता है, जिसको सी पैन बोलते हैं, समुद्री कलम। द कॉलोनी इज इलोंगेटेड एंड डिवाइडेड इनटू ए प्रॉक्सिमल स्टाक आर पेंडिकल एंड ए डायस्टर रैचिस। तो ये जो स्टाक है ये पेंडिकल है और इसके चारों तरफ ये जो है रैचिस ये निकली, उसको रैचिस कहा जाता है। ये रैचिस कहलाती है और ये इसकी स्टाक है। द पेंडिकल इज इम्बेडेड इन द मड आर सैंड। तो ये जो पेंडिकुल है ये पेंडिकुल ये अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जो मिट्टी नीचे होती है समुद्र की, तो जो दलदली मिट्टी है उनके अंदर ये धसा होता है। रैचिस इज द एक्सियल पॉलिप, बियर्स निमियस डाइमॉर्फिक पॉलिप ऑन इट्स लेटरल ब्रांचेस। तो ये जो साइड में निकली हुई जो शाखाएं हैं, ठीक है ना, जिसको रैचिस जो बियर करती है, ठीक है ना, तो ये शाखाएं इसके ऊपर बहुत सारे धीर रूपी पॉलिप पाए जाते हैं। द मेन स्टेम इज सपोर्टेड बाय कैल्केरियस आर हॉर्नी स्केलेटन। तो इसका जो मेन ये मुख्य जो स्टेम है जिस वो उसको सपोर्टेड कौन करता है, कैल्केरियस और हॉर्नी कंकाल, तो उसको सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए इसके अंदर पेनिटुला जिसको समुद्री पैन कहा जाता है और टेरोडस जिसको सी पैंसी कहा जाता है और केरोनोकुलर है, ये टेरोडियस है, ठीक है, ये टेरोडियस है, ये पेनेटुला है, इसको सी पैन कहा जाता है, इसको सी पैसी कहते हैं सामान्यतः भाषा में। दूसरा ऊपर अपन ने कहा कि भाई इसके अंदर जो एंथोजोआ है, इसके अंदर जो एंथोजोआ वर्ग के अंदर इसको एंथोजोआ को और तीन उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला जो उपवर्ग है जिसके अंदर छह गण है, पहला उपवर्ग है अल्साइनारिया जिसके अंदर छह गण, दूसरा जो उपवर्ग है उसके अंदर पांच गण है, और जो तीसरा उपवर्ग है वो एक्सटिंक्ट है, मतलब उसके अंदर आने वाले जो सिलेंटेट है वो लुप्त हो गए। तो अपन दूसरे ऊपर की बात करते हैं, जोंथेरिया या हेक्साकोलिना आर कॉलोनियल मेराइन है, सोलिटरी है या मतलब एकल भी रहते हैं और बहुत सारे समूह में भी रहते हैं। टेंटाकल सिंपल है इसके, रेयरली ब्रांच है, साधारण टेंटाकल्स पाए जाते हैं, शाखित नहीं होते हैं, होलो कॉन शेप्ड होते हैं, शंकुकार, न्यूमरियस अरेंज्ड इन द मल्टीपल ऑफ 5 and 6 बट नेवर 8, 5 to 6 तक होते हैं, 8 नहीं पाए जाते। मेजेंट्रीज आर न्यूमरियस, तो जो सेप्टा है या मेजेंट्रीज है बहुत सारी होती है, मल्टीपल और 5 or 6 बहुत सारी होती है, 5 to 6 मे बी कम्प्लीट आर इनकम्प्लीट, पूर्ण विकसित भी हो सकती है और अपूर्ण भी हो सकती है। 2 साइफोनोग्लाइफ्स पाए जाते हैं, कॉमनली आर प्रेजेंट एंडोस्केलेटन व्हेन प्रेजेंट इन ए कैल्केरियस, यदि कंकाल पाया जाएगा तो कैल्केरियस होकर ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म, जो कि एक्टोडर्म से उसकी उत्पत्ति होती है या विकसित होता है। पॉलिप आर यूजली मोनोमॉर्फिक, जो पॉलिप होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है, जबकि पहला जो वर्ग था अल्साइन, ठीक है ना, तो अल्साइनरिया या ऑक्टाकोलिना, तो इसके जो जो पॉलिप थे वो क्या थे, द्विरूपी थे, जबकि ये जो ऊपर गए इसके जो पॉलिप है वो क्या है, मोनोमॉर्फिक है, एक रूपी है, द्विरूपी नहीं है। हेक्साकोलिना या अपन कहें इसको जो ऊपर गए इसका जोंथेरिया, इसके अंदर जो पहला गण है वो एक्टेनेरिया है, सोलिटरी है, कॉलोनियल है, एकल है और साथ में भी रहते हैं बहुत सारे, बॉडी सिलेंट्रिकल है, डिवाइडेड इनटू ओरल डिस्क, ये नीचे वाली, ठीक है ना, ऊपर वाली है जो इसको ओरल डिस्क कहते हैं, कॉलम एंड बेस, ये वाली जो हो जाएगी ओरल डिस्क, ये हो जाएगा कॉलम और ये इसका हो जाएगा बेस। तो ये बेस कॉलम और ओरल डिस्क में इसका जो शरीर है वो विभक्त है। द एबोरल एंड इज आल्सो प्रोवाइडेड विद ए पेडल डिस्क, तो एबोरल एड है उसके एंड के ऊपर पेडल डिस्क भी पाए जाते हैं। टेंटेकल्स आर एंड मेजेंट्रीज आर न्यूमरियस, तो ये जितने भी है ये क्या है, ये टेंटेकल्स है और इसके अंदर मेजेंट्रीज भी है, वो भी बहुत सारी पाई जाती है, मल्टीपल संख्या में होती है। 6 साइफोनोग्लाइफ्स इज 1 or more, तो साइफोनोग्लाइफ है 2, एक या एक से ज्यादा पाए जाते हैं, स्केलेटन इसके अंदर नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए एक्टिनिया, मेट्रिडियम जिसको सी एनिमोन भी कहा जाता है, एडमेशिया और एडवांटिशिया, ये इसके उदाहरण है एक्टिनेरिया। दूसरा जो गण है वो है मेड्रीपोरारिया, मोस्टली कॉलोनियल है, ठीक है ना, सोलिटरी फॉर्म्स भी हो सकती है, एक्सक्रीशनली हार्ड, इसका जो बाहरी कंकाल है होता है बहुत कठोर होता है, कैल्केरियस सीक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म, तो कैल्केरियस है वो एक्टोडर्म के द्वारा स्लाइड, पॉलीपार स्मॉल एंड इनक्लोज इन द कप लाइक कैविटीज ऑफ द एक्सोस्केलेटन, तो ये पॉलीप है वो छोटा होता है और ये कप लाइक जो कैविटीज होती है उससे घिरा हुआ होता है। साइफोनोग्लाइफ्स यूजली एब्सेंट, तो साइफोनोग्लाइफ्स इसके अंदर
नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्ट्रियाई, फेविया, फुंजिया, मैड्रीपोरा और मैड्रीना। तो ये फुंजिया का डायग्राम है, ये मैड्रीपोरा का है और ये मैड्रीना का है, ठीक है ना। ये संरचना इनकी ऐसी होती है। तीसरा जो गण है वो ज्वेंथिडिया ही है। मोस्टली कॉलोनियल है, समटाइम सोलिटरी, ज्यादातर समूह में रहते हैं, कभी कभार ये अकेले भी रह सकते हैं। स्केलेटन एंड पेडल डिस्क अब्सेंट, कंकाल और पेडल डिस्क नहीं पाया जाता। बॉडी वॉल में भी कंटेंट कैलक्रियस बॉडीज, तो इसका जो बॉडी है वाल है उसके अंदर कैलक्रियस पाए जा सकते हैं। पॉलीपार जनरली स्मॉल, इसके पॉलीप वो छोटे होते हैं। मेजेंट्रीज आर पेरेड, तो वो युग्म में होती है, मेजेंट्रीज पेयर के रूप में होती है। पेयर ऑफ कंपोज वन एंड कम्प्लीट एंड वन इनकम्प्लीट मेजेंट्रीज हो सकता है, जो पेयर हुए युग्म के रूप में है, दो जोड़े के रूप में है, तो एक हो सकता है एक संपूर्ण मेजेंट्रीज हो, दूसरी अपूर्ण मेजेंट्रीज हो। ओनली वन वेंट्रल साइफनोग्लेफ प्रेजेंट, इसका एग्जाम्पल है जोइंथस, जो समुद्र में अपन देखे हैं, तो ये ऐसे पाए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये देख रहे हैं बहुत सारे समूह में रह रहे हैं ये, ठीक है ना। ये पॉलीप है, ये एक, ये दो, ये बहुत सारे एक साथ रह रहे हैं एक जगह, ठीक है ना। तो ये समुद्र में देखे तो इस प्रकार के दिखेंगे, जो थ्री डी आई के अंदर आते हैं, इसका उदाहरण है जोइंथस। चौथा जो गण है वो एंटी पैथेरिया है। प्लांट लाइक कॉलोनियल फॉर्म्स होती है, ठीक है ना, पौधे जैसा दिखने वाली समूह में रहने वाली रूप होता है इनका। डीप वाटर में रहते हैं, समुद्र की बहुत गहराई में रहते हैं। द लोअर एंड ऑफ द कॉलोनी यूजली कंसिस्ट ऑफ ए बेसल प्लेट, तो इसका नीचे वाला भाग है उसकी बेसल प्लेट पाई जाती है। अटैचमेंट विद द सम ऑब्जेक्ट, जो भी इसको आधार मिल जाता है वहाँ ये इसको अपने आप को जोड़े रखने में या उसके साथ अटैच करने में सहायता करती है। स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच्ड काइटेनियस, तो इसका जो कंकाल है वो साकित होता है। काइटेनियस एक्सिस ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, जो कि एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। द एक्सियल स्केलेटन बियर से पॉलिप, और जो स्केलेटन है इसके ऊपर पॉलिप्स पाए जाते हैं। बट द कॉलोनी मे बी हर्मोफ्रोडाइट, तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो हर्मोफ्रोडाइट टाइप्स की हो सके। मेजेंट्रीज एंड टेंटाकल्स आर 6 to 24 इन नंबर्स, तो जो मेजेंट्रीज है और टेंटाकल्स है वो दोनों 6 से 24 की संख्या में हो जाते हैं, हो सकते हैं। टू साइफनोग्लाइफ पाए जाते हैं, और जहाँ पर जो एंटीपैथस, ये जो एक डायग्राम देख रहे हैं एंटीपैथस का डायग्राम है। पांचवा इसका गण है वो है सेरेंथेरिया। लॉन्ग सोलिट्री नेमन एनिमोन लाइक फॉर्म्स, तो ये लंबे जो मेटिनियम था वो छोटा था और चौड़ा था, और ये जबकि लंबे एनसी एनिमोन की तरह फॉर्म्स है। लिविंग इन द वर्टिकल सिलेंड्रिकल कैविटीज इन द सी बॉटम, समुद्र के तल में रहते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये सी एनिमोन की तरह मेट्रीडियम की तरह दिखाई लेते हैं, लेकिन बहुत लंबे होते हैं, जहाँ आपने मेट्रीडियम देखा है यहाँ पर ये, तो ये छोटा है, इतना लंबा नहीं है और चौड़ा है, जबकि ये है ये लॉन्ग साइज में लंबे हैं। बॉडी स्मूथ होती है, सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड विद ओरल डिस्क, इनके भी ओरल डिस्क पाई जाती है। पेडल डिस्क स्केलेटन अब्सेंट, पेडल डिस्क नहीं पाई जाती। टेंटाकल्स आर सिंपल एंड न्यूमरियस, टेंटाकल्स होते हैं वो साधारण होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एंड टू टाइप्स मार्जिनल एंड ओरल, ठीक है ना, इसके मार्जिनल पे भी होते हैं और ओरल पे भी होते हैं। मेजेंट्रीज आर न्यूमरियस, मेजेंट्रीज बहुत सारी होती हैं, सिंगल एंड कम्प्लीट भी, उस मेजेंट्री आर न्यूमरियस एंड सिंगल एंड कम्प्लीट। ओनली सिंगल डोर्सल साइफनोग्लाइफ आर प्रेजेंट, इसके उदाहरण के रूप में सेरेंथस, ये डायग्राम में जो देख रहे हैं ये सेरेंथस का है। थर्ड जो इसका ऊपर है वो ट्यूबुलेटा है, एक्सटेंट कॉलोनी है, ये लुप्त हो गया है। एंथोजोन विथ ए हैवी कैलक्रियस एक्सोस्केलेटन, तो इसके चारों तरफ बहुत भारी मात्रा में या भारी कंकाल पाया जाता है। ट्यूबुलस कंटेनिंग हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म आर ट्यूबुलाई, एग्जाम्पल फेवोसाइटस एंड हेलाइसाइटस। तो ये अपने जो तीनों वर्ग है सेलेंटेटा के, उनका जो वर्गीकरण है उनको गण में उनके साथ उसके उदाहरण, ये आपको याद करने हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा तो तीसरा वर्ग था एंथोजोआ, जिसके अंदर तीन उपवर्ग आते हैं। वर्ग एंथोजोआ, एंथोजोआ वर्ग के अंदर तीन उपवर्ग आते हैं, और पहले वर्ग के अंदर 6 गण है और दूसरे वर्ग के अंदर 5 है, और तीसरा जो उपवर्ग है वो एक्सटेंट है। तो एंथोजोआ वर्ग आपको याद करना है, ठीक है ना, ऐसा वर्ग जिसके अंदर जो पॉलीप अवस्था है वो
डोमिनेंट है, पूर्ण रूप से विकसित है, और जो मेडुसाई अवस्था है वो नहीं पाई जाती, ठीक है ना। और इसके अंदर जो वर्ग है तो जो है इसके अंदर तीन सब क्लासेज है। सब क्लास पहली है वो अल्साइनेरिया है या ऑक्टाकोलिना भी बोलते हैं। और इस जो उपवर्ग है एंथोजोआ वर्ग का, इसके अंदर पांच अच्छा गण है, ठीक है ना। पहला गण है स्टोलिनिफेरा, जिसके उदाहरण है एग्जाम्पल है टीबीफोरा। दूसरा गण है टेलिस्टेसियाई, जिसका एग्जाम्पल है टेलोस्टा। तीसरा है अल्साइनेसियाई, जिसका एग्जाम्पल है अल्साइनियम और जेनिया। चौथा गण है वो सिनोथेकेलिया, जिसका एग्जाम्पल है हेलियोपोरा। पांचवा गण है गोर्गोनेशियाई, जिसका एग्जाम्पल है गोर्गोनिया और कोरेलियम सीफेन या जिसको रेड। और चौथा जो गण है वो है पेनेटुलेसियाई, जिसका एग्जाम्पल है पेनेटुला टेरिडस रेनिला और कार्बन नोलरिया। और जो दूसरा उपवर्ग है वो है जोन्थेरिया हेक्साकोलिना, जिसका ऑर्डर है जिसके अंदर गण है पांच। पहला गण है एक्टिनेरिया, जिसका एग्जाम्पल एक्टिनिया मेट्रिडियम एडमिशिया और एडवर्सिया। दूसरा जो गण है वो मेट्रिपोरेरिया, जिसके अंदर एस्टिसियाई फ्यूंजियाई फेविया मेट्रिपोरा और मैंड्रिना आते हैं। तीसरा जो गण है वो जोन्थेरिया है, जिसके अंदर जोन्थस आता है। चौथा जो गण है वो एंटीपैथेरिया है, जिसके अंदर एंटीपैथस आता है। और पांचवा जो गण है वो सेरिनथेरिया है, जिसके अंदर सेरिनथस आता है। इसके अंदर पांच गण है। और तीसरी जो उपवर्ग है वो टिबुलेटा है, जो कि एक्सटेंट कॉलोनी एंथोजोन्स विद हैवी कैलकेरियस कॉलोनी ट्यूबुलस कंटेनिंग हॉरिजॉन्टल प्लेट फॉर्म आर्टेरिया, जो कि एक्सटेंट है, जिसके अंदर फेवोसाइटिस और एरिसाइटिस देखने को मिलते हैं। थैंक यू। इसके साथ ही आपके सेलेंटेट का वर्गीकरण है वो समाप्त होता है, जिसके अंदर तीन मुख्य रूप से जो मुख्य रूप क्या तीन ही वर्ग है इसके अंदर हाइड्रोजोआ एंथोजोआ हाइड्रोजोआ साइफोजोआ और एंथोजोआ। आज अपन ने एंथोजोआ को पढ़ा। थैंक यू। इसके बाद अपन सिलेंटेटा के अंदर टाइप स्टेडियम में ओबुलिया को अपन को पढ़ना है। थैंक यू।